अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। तो मैं बना रही हूँ 3 टाइप की मोहितो। सबसे पहली है वर्जिन मोहितो और वाटरमेलन मोहितो और तीसरी है ऑरेंज मोहितो। ये सारे मॉकटेल्स हैं और ये मॉकटेल्स जो हैं आप बहुत ही इजीली घर में बना सकते हैं। और हाँ, आपके यहाँ दावत हो तो उसमें सर्व कीजिए, देखिएगा आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको बता देती हूँ। ये है चुटकी भर नमक, ये है शक्कर का सीरप, मैंने घर में बनाया है। आप चाहें तो शक्कर पाउडर करके भी रख सकते हैं। अच्छा, ये है कलिंगर, तकरीबन 3-4 पीसेस हैं, बिज्जे निकाल लिए हैं और फेंक दिए हैं बिज्जों को। अच्छा, ये है आधे ऑरेंज का जो पल्प है वो मैंने हाथों से ही निकाल लिया और ये प्याले में रखा है, बिज्जे सारे फेंक दिए थे। हाँ, और ये 3 नींबू है, छोटे थे तकरीबन, इसके मैंने 1 के 4 पीस किए। ये पुदीना है धोया हुआ और यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं तीनों के प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ऐसे काट के रखे हैं, कलिंगर, नींबू और ऑरेंज को। चलिए सबसे पहले हम वर्जिन मोहितो बनाते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते डालिए, बहुत अच्छे टेस्ट आता है इससे। 4 नींबू के टुकड़े डाल दीजिए, तो 1 नींबू हुआ ना ये छोटा वाला, यहाँ 2 टेबल स्पून ये डाल दीजिए शक्कर का सिरप। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। अब हल्के हाथ से इसे कूट लीजिए उखल के अंदर। जब आपको लगे कि ये जो आपका नींबू है अच्छा खासा उसका कस निकल चुका है, तो आप ग्लास के अंदर ये सारे मिक्सचर को डाल दीजिए। अच्छा, मैं टॉल ग्लास ले रही हूँ तो मैं सारा एक ही में डाल रही हूँ। अगर आपके छोटे ग्लास हो तो आप 2 में डिवाइड कर दीजिए ये मिक्सचर। और ये बन गया हमारा वर्जिन मोहितो का मिक्सचर, ये मैं साइड पर रख रही हूँ। और अब बना लेती हूँ कलिंगर मोहितो के लिए उसका मिक्सचर। तो मैं सेम उखल ले रही हूँ, उसे धो नहीं रही हूँ। अब उसके अंदर मैं फिर से 4 टुकड़े नींबू के डाल रही हूँ, तो हो गया ना 1 छोटा नींबू। अब इसमें मैं 3 टुकड़े कलिंगर के डाल देती हूँ, थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए और इसे हल्के हाथ से कूट लीजिए। जब इसका भी आपको लगे थोड़ा सा पल्प टाइप हो चुका है, अभी मेरे इसमें तो जगह नहीं थी तो मैंने 4 पीस नहीं डाला, चौथा आपने देखा अभी मैंने पीस डाला है कलिंगर का और थोड़ा सा पुदीना और डाला है सो दैट स्पेस हो जाए। फिर से मैंने थोड़ा कूटा और उसके बाद में मैंने 2 टेबल स्पून ये शक्कर का सीरप डाला, क्योंकि ज़रा छोटा है ना तो कूटने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। जब आपको लगे ये सारा कूटा गया है और अच्छे से क्रश हो गया है, तो ये अब मैं फिर से एक टॉल ग्लास के अंदर सारा मिक्सचर डाल देती हूँ। आप चाहें तो मेरी तरह एक टॉल ग्लास में डालें, और अगर आपके छोटे हों ये ग्लासेस तो 2 ग्लास में डिवाइड कर कर यही मिक्सचर डाल दीजिए। चलिए इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अब मैंने उखल को धो लिया है, अब वही उखल के अंदर मैं थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ, 4 नींबू के टुकड़े डाल रही हूँ, मतलब 1 छोटा नींबू हुआ। इसमें डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून जितना शक्कर का सीरप, और ये जो मैंने पल्प निकाल के रखा है हाथों की मदद से निकाल के रखा था ऑरेंज का, वो डाल देती हूँ और इसे भी हल्के हाथ से कूट लेती हूँ। अब ऑरेंज में ये है कि अगर आपका ऑरेंज ज़्यादा खट्टा है तो शक्कर ज़्यादा चाहिएगी, तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून जितना शुगर सिरप और डाल रही हूँ। ये आप अपने ऑरेंज के हिसाब से टेस्ट करके फिर डालिएगा। खट्टा ज़्यादा हो तो शक्कर या शक्कर का सिरप ज़्यादा चाहिएगा, खट्टा कम हो और मीठे के उस पर आपका ऑरेंज ज़्यादा हुआ तो आपको कम शक्कर चाहिएगी। चलिए इसे भी मैं एक टॉल ग्लास में निकाल लेती हूँ। अगर आपके ग्लास छोटे हों तो यही मिक्सचर को आप डिवाइड कर दीजिए 2 में और दोनों ग्लासेस में आधा आधा डाल दीजिए। चलिए मैं टॉल ग्लास के अंदर डाल देती हूँ ये सारे मिक्सचर को, और ये आप जैसे देख सकते हैं मैंने तीनों को एक साथ पहले कूट लिया है और पहले पूरा प्रिपरेशन कर ली है, और उसके बाद अब मैं इसमें आगे का प्रोसीजर करूंगी। अच्छा, अब इसमें जो ऑरेंज वाला मोहिटो है ना, आप उसमें एक और ट्विस्ट दे सकते हो कि ये इतना करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी डाल सकते हो एक बेटर फ्लेवर के लिए, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। चलिए, तो मैंने स्प्राइट ले ली है, ठंडी स्प्राइट है और थोड़ी बर्फ है, और हल्की सी चुटकी भर नमक डालेंगे। आपने नहीं डालना तो नहीं डालिएगा। अच्छा, स्प्राइट की बजाय है ना, आप मॉकटेल्स के अंदर सिर्फ सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ा हेल्दी वर्जन हो जाता है। स्प्राइट क्या सॉफ्ट ड्रिंक हो जाती है, बट टेस्टी मुझे इसी से लगता है, तो मैं तो हमेशा इसी को ही डालती हूँ। सो चलिए, अब मैं दे रही हूँ हल्का सा चुटकी नमक डाल रही हूँ तीनों में, और हर एक ग्लास के अंदर 2-2, 3-3 टुकड़े बर्फ के डालिए, और इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर स्प्राइट डाल दीजिए पूरा ऊपर तक, या फिर सोडा भी डाल सकते हैं आप। और जब डाल लें उसके बाद एक मिक्स कर लीजिए, एक स्टर कर लीजिए, सो दैट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब आप चाहते हो
कि इसके ऊपर थोड़ा सा और फ्रेशली पुदीना डालना, तो आप फिर से एक दो पुदीने के पत्ते डाल दीजिए प्रेजेंटेशन के लिए। अब चख लीजिए, अगर आपको मिठास कम लग रही है शक्कर डाल दीजिए सिरप, या फिर अगर आपको खट्टा कम लग रहा है तो नींबू का रस डाल दीजिए, पंच कम लग रहा है फ्रूट का तो फ्रूट का पल्प डाल दीजिए। मैं चख रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, कोई कमी नहीं है। अब मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते फ्रेशली और डाल रही हूँ, और एक में आपने देखा वर्जिन मोहितो में मैंने नींबू का टुकड़ा रख दिया साइड पर प्रेजेंटेशन के लिए ग्लास पर। दूसरा वाला कलिंगर है, तो कलिंगर मोहितो में मैंने साइड पर कलिंगर रखा, और तीसरा वाला ऑरेंज मोहितो है उस पर मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ऑरेंज को साइड पर रखा। तो ये बन गए मेरे तीनों टाइप के मोहितो, है ना बढ़िया से। थोड़े से पुदीने पत्ते में थोड़ा फ्रेशली डाल रही हूँ कि थोड़ा ग्रीन ग्रीन लगे। तो ये है तीन टाइप के मोहितो, जैसे आप देख सकते हैं ये है वर्जिन मोहितो, ये है वाटरमेलन मतलब तरबूज का मोहितो, और ये है ऑरेंज का मोहितो। आप चाहे तो इसे इसमें भी बना सकते हैं, माल्टा में भी। तो मैं तो इसे सर्व करती हूँ, आप चाहे तो अपने रिश्तेदारों को पिलाएं, या फिर जो गेस्ट आए उन्हें, या फिर फैमिली को बच्चों को दें। बहुत ही मजेदार है, टेस्टी भी है। शक्कर का जो सीरप है ना, उसे मैंने आधे कप पानी के अंदर 1/4 कप शक्कर डालकर उसे अच्छा सा 3-4 मिनट तक एक उबाल ले लिया था। जब अच्छी पिघल गई शक्कर, 3-4 मिनट में तो पिघल ही जाती है, उसके बाद मैंने उसको चूल्हा बंद कर दिया और उसे ठंडा होने दिया। इसी तरीके से आप सिरप बना लें शक्कर का, या फिर थोड़ा सा पीस लें मिक्सर जार के अंदर और वो इस्तेमाल करें। अच्छा, आप जब नमक डालकर उसके बाद स्प्राइट डालते हो तो ये जो पुदीने है ना, हल्के से डार्क हो जाते हैं कलर में, लेकिन टेस्ट चेंज नहीं होता है। हाँ, चलिए, अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ शर्माइए मत, लाइक ज़रूर कीजिएगा ये वाली रेसिपी को, और शेयर भी जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स से। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।